चेक इन हो गया मेरा। लाइफ में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मेरे शूज़ निकाले, बोले ये भी स्कैन करा। पहली बार हुआ था वियतनाम में, पर वहाँ पे सभी के हो रहे थे। मैंने पहने ट्रैकिंग शूज़, मे बी बिकॉज ऑफ द हाइट दे वॉन्टेड टू डू इट, बट ठीक है, दैट्स इट। चेक इन में ही सेल्फी स्टिक डाल सकते हैं। ओके फाइन, अभी हम जाएंगे सुसुघर, फिर पियेंगे थोड़ा कॉफ़ी, ढूंढेंगे कोंटा जहाँ पे हम सोएंगे, क्योंकि 6:30 बज गए हैं। मेरी फ़्लाइट है 9 बजे, तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं आराम करने के। सारे बिस्तर खाली हैं, मैं जा रही हूँ कॉफ़ी देखने के लिए, और कुछ खाने का मन कर रहा है। उसके बाद फिर वापस आके देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी है तो जगह मिल जाएगी। देखो यार, ये अपना गेट, 8 बज रहे हैं, 15-20 मिनट में आई थिंक ये लोग चालू करेंगे चेक इन। एंड मैं अपनी ओवर प्राइस कॉफ़ी नहीं पी पाई। आई डोंट नो, आई थिंक फ्रूगल एडवेंचर मेरी आईडी नहीं है, मेरी पर्सनालिटी है। समहाउ आई कैन नॉट स्पेंड एनीथिंग विच डजंट वर्थ। पर मुझे इंडिगो का उपमा बहुत पसंद है, तो अगर वो मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली हैव इट। बड़ा मज़ा आ रहा है यार। बट पता है क्या हुआ है, ये ऐसा लगा दिया है ना, अब वी कैन नॉट टेक वीडियोज़ ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम सो डिस्टेंस। थोड़ा ब्लरी भी है, बट यहाँ गाड़ी वाड़ी लग गई है, ऊपर से ही है। चलते हैं दिल्ली में 5 घंटे बिताने, क्या करूँगी पता नहीं। कॉफ़ी ज़रूर पीने वाली हूँ मैं वहाँ पे। बोर्डिंग हो गई यार, ये नई टाइप की सीट है, देखो ये वाली सीट, वो ब्लू वाली शायद निकाल दी, या फिर ये पुरानी फ्लाइट है। फ्लाइट चेक करके बोल रहा था। दिल्ली आ गई मैं, बहुत नींद आ रही है, सो गई थी। तो यहाँ कितना प्यारा लग रहा है, पीछे का टावर। ओके कहीं कोना ढूंढती हूँ, सोती हूँ, 5:30 बजे फ्लाइट है, मुझे बहुत गंदी नींद आ रही है। सीट छोड़ो, बोर्डिंग हो गई मेरी। अभी मुझे मिली है विंडो सीट, सो प्रॉपर्ली देयर आर एनी स्नो आई कैन सी। पिघल तो रहा है, बोल रहा है, तो पता नहीं अब स्नो मिलेगा या नहीं। बोर्डिंग करते हैं, इन बिटवीन अगर मुझे कुछ अच्छे पहाड़ दिखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, अदरवाइज श्रीनगर आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे है 20 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी हवाएं चल रही है, फेस पे लग रही है। बोरो प्लस लगाने का टाइम आ गया और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट वाईफाई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आर्मी गवर्न एयरपोर्ट है और यहाँ पे आप फ्लाइट से उतर के फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं। दादर थिंग इज़, अगर आपका फ़ोन प्रीपेड है, इन दैट केस आपका सिम यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको यहाँ का लोकल सिम बाय करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर यू गेट योर आधार एंड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती हैं। तो कुणाल का वेट करते हैं, दिल्ली से निकल चुका है वो, लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचता है यहाँ पे। उसके बाद शायद से आप यहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें लगेज यहाँ पे रखना है। तो सी यू सून। हाँ गए जी, एयरपोर्ट के बाहर। ये भी आ गया, कहाँ गया? ये भी आ गया। हेलो, फाइनली इसकी फ्लाइट पहुँच ही गई, 2 बजे के बजाय 8 बजे। ये देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कश्मीर आने से ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, हर जगह रोज़ दिखते हैं और वो फूलों की खुशबू आती है। चलो अब निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत लेजर ट्रिप में आई हूँ, पता है 2 दिन टाइम है, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो बस सोच रही हूँ कि आराम ही आराम। कीर्ति ने खाना लेके आया घर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तीखा तीखा, गाजर और ककड़ी है सर, वो अंडा ला के आए। वे अब निकलेंगे, प्लान है कि श्रीनगर में ही रुकेंगे, बहुत थक गए हैं एक्चुअली, और सामान भी रखना है, काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो होटल पहुँचते, होटल बुक कर लिया है, बस से जाएंगे हम और वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है। पर यहाँ एयरपोर्ट से तो बस से जा रहे हैं। मिल गई हमको बस। तो ये बड़े से झंडे के सामने ही है यहाँ पर, जिसमें हम जाने वाले हैं दाल ले तक। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, होपफुली यही बस है, वरना फिर हमको फिर खोज जारी रखनी पड़ेगी। ये देख, तो मेरा चश्मा है नया वाला। आ गए जी होटल, रेस्ट रेस्ट भी कर लिया। ये होटल है, यहाँ से ऊपर कमरा है, वो बाद में दिखाऊंगी। बहुत बेसिक सा है, बट इट्स नाइस, बहुत अच्छा है ये। ये है होटल।
कैपिटल रीजन से। अच्छा इलाका है यार, शान सा है। बहुत सारे और भी यहाँ पे होटल्स हैं, बट दिस इज़ द अदर साइड ऑफ डल लेक। ये वो बुलेवर्ड वाला रोड नहीं है जहाँ पे शिकारा वगैरह, वो वहाँ पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो हमने सोचा अलग दूसरा साइड एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक ये एप्पल के पेड़ है, बट एप्पल कुछ नहीं लगा है यहाँ पे। ओके तो अब जाएंगे डल लेक और देखते हैं और क्या क्या अमरनाथ की इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ जो रिसेप्शन में भैया जी थे, उन्होंने बताया कि 1.5 किलोमीटर बस है यहाँ से। चलने का बिल्कुल मन नहीं है यार, क्योंकि और ऑलरेडी चलना है और सुबह भी काफ़ी चल के आए। देखते हैं ऑटो मिल जाए यहाँ से। तो ये खाने पीने वाली जगह है यार, खूब सारा चिकन बॉयल ग्रिल करके रखा हुआ है, सॉफ्टी भी है। हमने प्योर वेज रेस्टोरेंट भी देखे यहाँ पे। अच्छा यार, भाई हुक्का कैफे भी देखा है, ये दूसरा हुक्का कैफे जो मैं देख रही हूँ। रॉन्ग साइड चल रहे थे? नहीं, चलो। अब प्यारे प्यारे पहुंच हुए हैं यार यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं, डल लेक स्टार्ट हो गया है, बोलते हैं 17 किलोमीटर का इसका पूरा सर्कमफ्रेंस है। हाँ, मेन गेट जो है वहाँ पर जा रहे हैं। इनको खाना है मोमोज, मोमोज की भूख लगी है। तो ये है पूरा पानी। वो शायद चाय बेच रहे हैं अंकल। नहीं, ये मछली वाला है। मछली पकड़ रहे हैं अभी, शिकारा राइड करो। मैं आ गए, ये हमारे पीछे डल लेक है, ये पहला गेट था। काफ़ी शिकारे होते हैं यहाँ पे, आप बात कर सकते हो। यूजुअली इट्स 8-9 पॉइंट्स और 300 से 500 तक के दे विल आस्क यू। बार्गेन कर लो अगर करना है तो, बट इफ़ यू कैन अफर्ट ऐसे ये ऐसी जगहों में बार्गेन मत करो। यहाँ पे साइकिल्स भी है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे जो डेवलप लग रही हैं। चार्जेबल साइकिल्स हैं, 9 पॉइंट घुमाएगा, 400। वेरी ब्यूटिफुल। नया कुल्फी मिली यार, बहुत अच्छी है। मतलब जो घर पे मिलती है ना अपने मलाई मेवा वाली, एकदम रियल। उसने कोकोनट भी लगा के दिया है, 20 रुपए की है, सुपर टेस्टी। इधर आ रहे हो तो जरूर खाओ। गेट नंबर 7 के सामने एक दिल्ली दरबार वेज रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं। यहाँ पे आपको जैन खाना भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो इस बुलेवर्ड रोड में बहुत सारे खाना, होटल, शिकारा, बोट स्टे, एवरीथिंग इज इन दिस प्लेस, वेरी हैपनिंग, बट इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव, सो चूज व्हाट यू वांट। आ गया जी खाना हमारा, एक गुजराती थाली और एक पंजाबी थाली ऑर्डर किया। दोनों का रेट सेम था, 330। आला काटर भी कर सकते हो, उनके पास आला काटर भी है, डिपेंड वी लाइक थाली, तो कन्फ्यूजन नहीं रहता ना कि क्या ऑर्डर करें नहीं करें, वो सेट डिसाइडेड आ जाता है। ओके, लेट्स एंजॉय। बहुत सुंदर सा सनसेट देखा यहाँ पे। अब वापस जा रहे हैं रूम, रेस्ट करेंगे, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैदल पैदल जाएंगे, 1.5 किलोमीटर है यहाँ पर। कल सुबह वापस निकलना है हमको, तो प्रॉब्ली 8 बजे तक हम निकल जाएंगे। फिर कार्ड बना के सीधा पहलगाम निकलने का प्लान है। लेट्स स्टार्ट द ट्रैक फ्रॉम टुमारो फॉर द जर्नी टू अमरनाथ टुमारो।